लंबे समय के इंतजार के बाद चांद नजर आ ही गया। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को बहुत अच्छे से तैयार होकर छत पर जाकर मैंने पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की और करवा माता से प्रार्थना की कि मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करें। और अच्छे से पूजा करने के बाद, पूरे दिन उपवास रखने के बाद बस व्रत खोलने की बारी आई है। अब चांद को चलनी में से देखा और अपने पति का मुंह भी चलनी में से देखकर जो विधि विधान होती है उसी के अनुसार पूजा करने के बाद बस व्रत खोलने की बारी आई है। और पूरे दिन व्रत को सभी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत खुशी मन से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पूजा हो चुकी है, अब व्रत खोलने की बारी आई। तो पति के हाथ से पानी पीने के बाद हम व्रत खोलते हैं और उनके हाथ से पानी पीने पर ही व्रत खुलेगा। तो मैंने उनके हाथ से पानी पिया और पानी पीने के बाद व्रत भी खोला और व्रत खोलने के बाद मीठा मुंह मीठा भी किया, मिठाई भी खिलाई। इससे हमारा व्रत खुल गया। हम दोनों हमेशा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और मेरा व्रत पूरा होता है। अब देखिए व्रत की तैयारी कैसे की। एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई रात को, तो मेहंदी मेरी बेटी लगा रही है, बेटी ने मेहंदी लगाई है। मैंने भी एक हाथ में लगा ली थी पर बेटी ने लगाई। अब जब रात को मेहंदी लग गई थी तो सुबह उठी, नहा धोकर किचन में आई क्योंकि पूजा की बहुत सारी तैयारी करना थी। तो छोले की सब्जी बना रही हूँ, छोले की सब्जी रेडी कर ली है एक तरफ, और दूसरे तरफ और भी चीज़ें बनाना है। तो ये छोले की जो रेसिपी है ये मैं अब वीडियो अलग से डालूंगी, जिसको आप मेरी अलग वीडियो में देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी मेरी वीडियोज़ हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब मुझे खीर बनाना है, तो खीर के लिए भी ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही बताया है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको इन सब की रेसिपीज़ देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बस खाना बनाने के बाद अब हम लोग पूजा करने आ गए हैं और पूजा कर चुके हैं, करवा की पूजा की। मेरी देवरानी भी आई हुई थी पूजा के लिए, हम दोनों साथ में हमेशा पूजा करते हैं। और ये मेरी देवरानी का बेटा है, बहुत क्यूट सा सुंदर सा, ये देखो वह पूजा आरती करवा रहा बहुत अच्छे से। और फिर हम लोग पूजा करने के बाद हमारी कॉलोनी में गए। कॉलोनी में भी हम लोग थोड़ा करवा चौथ सेलिब्रेशन करते हैं, तो बस ऐसे ही करवा बदला और थोड़ा सा हम लोगों ने हंसी मजाक किया और हमारा इन्जॉयमेंट किया। हमारे दिन भर से हम व्रत थे तो वो सब करने के बाद फिर बस घर आकर हम लोगों ने पूजा तो पहले ही कर ली थी और करवा की पूजा भी हो गई थी। Oh, मुझे प्यार हुआ था।